आप ही के बीच में मनन वानी था। और मुझे याद है 2014 में उसने एक ऑर्गेनाइज किया था इसी कैनेडी हॉल में एक मीटिंग, जिसमें मैं भी मौजूद था। मेरी पहली बार और आखिरी बार मुलाकात मनन से वही हुई। मैं अपने आप से एक सवाल उठाता रहता हूं, वो ब्राइट स्टूडेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, गुड ऑर्गेनाइजर, वेरी ब्राइट, आखिरकार क्या वजह है कि उसको बदनाम उठानी पड़ी? हम शुरू वहां से करें ना, क्यों उठानी पड़ी, क्यों उसको लगा कि उसके सिवा उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं बचा है। वेरी सेंसिटिव बॉय, एक्सट्रीमली ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या माई पॉइंट इज कि अगर आप मनन वानी जैसे को भी मजबूर कर देते हैं कि उसके सामने और कोई रास्ता उसको नजर नहीं आता है, बंदूक उठाने के सिवा और लड़ने के सिवा, तो देन व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? फिर मैं किस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं? वो डेमोक्रेसी कश्मीर में तो नहीं थी, लेकिन किस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं कि वो अलीगढ़ में पढ़ता था? कश्मीर में नहीं, अलीगढ़ में पढ़ता था। That his confidence, that he didn't get confident, he didn't get inspired, he didn't get influenced by developments here. मतलब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी भी उसको ना पसंद रही। क्यों? He didn't feel inspired. He did not feel कि there was any hope in fighting any other way than by picking up a gun if he has to work for Kashmir. Isn't it? Yes. That means there is something wrong. There is something fundamentally wrong in this society and this country that we live in today, where you're compelling young people to think in terms of picking up weapons. So our journey should begin from that, by asking that when you forced an entire people, ये सिलसिला 1980 से शुरू होने लगा था, जब लोगों के बीच में कश्मीर में ये सुबुगाहट हुई कि अब ये रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। 40 साल तक पीसफुली लड़ते रहे ना, इलेक्शन का भी सोचा, सब कुछ, सब तमाम चीजें जो कर सकते थे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का मनीषा ने जिक्र किया, 1967 में लाने के पहले उसकी हिस्ट्री को देखे तो आप समझ जाएंगे उसको लाने के पीछे जरूरत थी उनकी, हिंदुस्तान हुकूमत की, जिससे कि वो प्लेबिसाइट फ्रंट को उस इलेक्शन से बाहर रखे। 1967 में उस एक्ट के पीछे यही तो वजह थी ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की हिस्ट्री में आप जाएं तो उसकी शुरुआत वहां से होती है। सो यू फोर्स्ड पीपल टू पिक अप द गन। लेकिन आप ताज्जुब की बात है, और मुझे लगता है कि इसमें लोगों को फक्र भी महसूस करना चाहिए, आज आर्मी चीफ एक साल के बाद, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ मई 2017 में, यह कहकर कि हम बस खत्म कर देंगे मिलिटेंसी को, 200-300 लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, ये काफी हैं, इतनी बड़ी फौज है, 6 लाख की फौज हमारी उधर खड़ी हुई है, खत्म कर देंगे इनका तो खात्मा हो जाए, मामूली चीज है, ये सोचा था ना, इसी तरह की बयानबाजी आ रही थी ना। आज वही आर्मी चीफ मिलिटेंट्स को कहता है, आप हमें हरा नहीं सकते, लेकिन हम भी आपको हरा नहीं सकते। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जहां आर्मी चीफ इतना सब कुछ कहकर गए, जनवरी में जब वो आए थे आर्मी का कमान संभाला, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे हिंदुस्तानियों के साथ और वार्निंग दी थी कश्मीरियों को कि अगर तुमने आर्मी की, तुम बाहर आए, अगर तुमने मिलिटेंट्स का साथ दिया, तुमने फलाना किया ढीका किया, तो तुम्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहकर हम खत्म कर देंगे। और इसने तो यह भी कहा कि काश ये लोग बंदूक उठाते जिससे कि मैं इनको गोली से मार देता। ये सब कही थी ना, बड़े बड़े बयान दिए थे जनवरी में, आप लोगों को याद होगा ना पिछले साल। आज वो कह रहे हैं कि ना हम आपको हरा सकते हैं ना आप मुझे। ताज्जुब की बात,